बच्चों, सामाजिक विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है यातायात एवं सुरक्षा। बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे कि यातायात क्या है और सड़क सुरक्षा का क्या अर्थ है, साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रबंधों के विषय में भी हम जानेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि पैदल यात्रियों तथा वाहन चलाने वाले लोगों के लिए क्या क्या नियम और सावधानियां होती हैं जो उन्हें सड़क पर सुरक्षित रख सकती हैं। इसके अलावा रेल सुरक्षा के विषय में भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले हम जानते हैं कि यातायात क्या है। बच्चों, जब हमें कभी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो हम अनेक प्रकार के मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सड़क मार्ग, वायु मार्ग अथवा जल मार्ग। सड़क मार्ग पर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कई तरह के वाहन जैसे कि कार, ट्रेन, ट्रक इत्यादि मिल जाते हैं। तो वहीं वायु मार्ग से जाने के लिए हम हवाई जहाज आदि का प्रयोग करते हैं और जल मार्ग के यातायात के साधन के रूप में हमारे पास नाव, बड़े बड़े जहाज उपलब्ध हैं। बच्चों, सड़कों पर वाहनों या लोगों की आवाजाही तथा अन्य किसी मार्ग पर विमानों, रेलगाड़ियों एवं जहाजों की आवाजाही को ही हम यातायात कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि आज बड़ा ट्रैफिक था हवाई रोड में, तो ये ट्रैफिक जो इंग्लिश शब्द है इसे ही हिंदी में हम यातायात भी कहते हैं। सड़क सुरक्षा। बच्चों, सड़क सुरक्षा का अर्थ उन विधियों या उपायों से है जो सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों, वाहन चलाने वाले लोगों तथा विभिन्न वाहनों में सवारी करने वाले लोगों को दुर्घटना से बचाता है, यानी उन्हें सड़क पर सुरक्षित रखता है। तो ऐसे उपायों को हम सड़क सुरक्षा के अंतर्गत समझेंगे। बच्चों, सड़क सुरक्षा के लिए कई प्रकार के नियम, कानून और धाराएं बनी हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने भी सड़क सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रबंध एवं व्यवस्थाएं की हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यानी कि यातायात को नियंत्रित करने के लिए चौराहों पर ट्रैफिक लाइट और पुलिस का प्रबंध किया जाता है। सड़क पर जगह जगह यातायात के चिन्ह लगे होते हैं ताकि लोग उनका प्रयोग करके अपने आप को सड़क पर सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा गति को नियंत्रित करने के लिए गतिरोधक होते हैं, जिन्हें स्पीड ब्रेकर भी कहते हैं। इसके अलावा रात में यात्रा करने के लिए स्ट्रीट लाइट्स का भी प्रबंध किया जाता है, यानी कि सड़कों पर किनारे किनारे लाइट लगी रहती हैं जिनका प्रयोग करके यात्री अपनी यात्रा को सुगम और सरल बनाता है। साथ ही पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की भी व्यवस्था की जाती है या फुटपाथ भी बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे सड़क सुरक्षा के कुछ प्रबंध जिनसे आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि आपने जब भी कहीं सफ़र किया होगा, यात्रा की होगी, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सड़क के किनारे बहुत सारे यातायात के चिन्ह लगे होते हैं, या कहीं रोड पर काम हो रहा होता है, कहीं मरम्मत हो रही होती है, तो उसके भी संकेतक के रूप में वहाँ पर कोई ना कोई चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने ट्रैफिक लाइट्स भी देखी होंगी, तो बताइए ट्रैफिक लाइट्स में कितनी लाइट्स का प्रयोग किया जाता है? वेरी गुड, 3 लाइट्स का प्रयोग करते हैं। 3 रंग की लाइट होती हैं, लाल, हरी और पीली। इसके अलावा बच्चों, ये कुछ यातायात संकेतक और भी हैं, जैसे कि पहले नंबर पर आप देख रहे हैं जो पूरा ही रेड कलर से है, इस पे स्टॉप लिखा है, यानी कि ये रुकने का साइन है। यह चिन्ह यह बताता है कि आगे सड़क बहुत ही सक्रिय है, इसलिए संभल कर चलें। साथ ही स्कूल अगर पास में है तो उसके लिए क्या संकेत प्रयोग किया जाता है, या कहाँ पर हमें टर्न लेना है, कहाँ नहीं लेना है, या इस रास्ते पर ट्रक अलाउ है या नहीं अलाउ है, तो ये सभी संकेतक हमें सड़क सुरक्षा में बहुत अधिक मदद करते हैं तथा हमारे सफर को सुरक्षित बनाते हैं। बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि पैदल यात्रियों के लिए कौन से नियम और सावधानियां हैं जिनका प्रयोग करके वो स्वयं को सड़क पर सुरक्षित रख सकते हैं।
पैदल यात्रियों को सड़क पर सदैव बाईं ओर चलना चाहिए या फुटपाथ पर चलना चाहिए। सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर ध्यान देना चाहिए और उसकी आवाज़ को सुनकर सड़क को पार करना चाहिए। सड़क पार करते समय पहले दाएं और फिर बाएं देखना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल को देखकर ही चौराहा पार करना चाहिए और हो सके तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को कभी भी अकेले सड़क पार करने नहीं देना चाहिए क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा कभी भी सड़क को पार करते समय दौड़ना नहीं चाहिए। बच्चों, जितनी सावधानी पैदल यात्रियों को रखनी चाहिए उतने ही नियम और सावधानियां वाहन चलाने वाले लोगों के लिए भी हैं। जैसे दो पहिया वाहन यानी कि स्कूटी, स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग हमेशा करना चाहिए क्योंकि हेलमेट आपको दुर्घटना से बहुत बचाता है। साथ ही चार पहिया वाहन यानी कि कार, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं ना, उनको चलाते समय सीट बेल्ट का भी प्रयोग अवश्य करना चाहिए और वाहन को तेज गति से नहीं चलाना चाहिए। साथ ही एक निश्चित संख्या में भी सवारी को बैठाना चाहिए। आपने देखा होगा बच्चों कि बहुत सी ऑटो और प्राइवेट बसें पैसों के लालच में अधिक संख्या में सवारियां बैठा लेती हैं और ऊपर नीचे सवारियां लोड कर लेती हैं, जिससे उसमें भार बढ़ने से कई बार ऐसी ऑटो या बस दुर्घटना का शिकार हो जाती है और लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप खुद ऐसी ऑटो में ना बैठें। साथ ही वाहन की ब्रेक, टायर, घंटी आदि को हमेशा चेक कराते रहें और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन तथा ईयरफोन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार इससे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग भी जरूर करना है। बच्चों, गाड़ियों में इंडिकेटर्स भी होते हैं जो किसी दिशा में मुड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनका प्रयोग भी बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा कभी भी थकान में, गुस्से में, मानसिक तनाव में या शराब पीकर अथवा नशीली दवाओं का सेवन करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। साथ ही वाहन पर सवारी करते समय उसकी खिड़की से बाहर नहीं झांकना चाहिए और ना ही अपने शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकालना चाहिए। बच्चों, एक और सावधानी जो गलती अक्सर लोग करते हैं वह है चलते वाहन से चढ़ना या उतरना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा कुछ और सावधानियां भी हैं बच्चों, जैसे कि बस के पायदान या बस में जो सीढ़ी बनी रहती है उस पर लटक कर यात्रा नहीं करनी चाहिए और कार का दरवाजा खोलने से पहले आगे और पीछे अवश्य देखना चाहिए क्योंकि कई बार पीछे से आने वाले वाहन इससे टकरा भी सकते हैं। आइए अब जानते हैं रेल सुरक्षा के विषय में। बच्चों, रेल भी एक शक्तिशाली और तेज गति वाला यातायात का साधन है और जिसके प्रयोग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र ही पहुंचा जा सकता है और रेलगाड़ी की यात्रा में आनंद भी बहुत आता है। लेकिन रेल यात्रा करते समय हमें कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए, जैसे हमें हमेशा टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, चलती ट्रेन पर चढ़ने या उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार इससे हम ट्रैक पर आ सकते हैं और हमारे ऊपर से भी रेलगाड़ी निकल सकती है जिससे हम दिव्यांग हो सकते हैं या हम अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। बच्चों, ट्रेन में जो जंजीर लगी रहती है उसे जबरदस्ती खींचकर यानी बिना वजह खींचकर ट्रेन को रोकना नहीं चाहिए। साथ ही ट्रेन की बोगियों की छत पर बैठकर भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार ट्रेनों में इतनी भीड़ रहती है कि लोग छत पर ऊपर बैठ करके आते हैं। यह स्थिति भी बहुत खतरनाक होती है क्योंकि ऊपर से बहुत सारी विद्युत की तारें होती हैं जिससे वो करंट की चपेट में भी आ सकते हैं। इसके अलावा यात्रा करते समय किसी भी अपरिचित यानी जिसे आप नहीं जानते हैं उसके द्वारा दिया गया खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज़ को सूंघना चाहिए। साथ ही ट्रेन में यात्रा करते समय अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। इसके अलावा बोगी या प्लेटफॉर्म पर पड़ी किसी भी लावारिस वस्तु को बच्चों कभी भी हाथ से नहीं छूना चाहिए
क्योंकि ये वस्तुएं खतरनाक हो सकती हैं या विस्फोटक पदार्थ हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत रेलवे पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए। ट्रेन में कभी भी कोई ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर या मिट्टी का तेल लेकर सफर नहीं करना चाहिए, और प्लेटफॉर्म बदलने के लिए हमेशा ओवर ब्रिज का प्रयोग ही करना चाहिए, ना कि किसी रुकी हुई ट्रेन के नीचे से हमें निकल जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों, ऐसी लापरवाही कई बार बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ऐसी ट्रेन कभी भी चल सकती है और आप उस ट्रेन के नीचे आ सकते हैं। साथ ही ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर भी यात्रा नहीं करनी चाहिए और अपने शरीर का कोई भी अंग ट्रेन की खिड़की के बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसके अलावा सबसे विशेष, प्लेटफॉर्म पर हमें कभी भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, यह था हमारा आज का टॉपिक, यातायात एवं सुरक्षा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।